वही है भगवत मार्ग, जहां लगने से भी न लगे, और जहां लगने से भी न लगे, जब जब कथा में मन लगने से भी न लगे, जब सदमार्ग में मन लगने से भी न लगे, तो समझ लो जन्मों जन्मों के पाप हमारे आज उदय हो गए हैं। ये बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कुछ पूछने की बात नहीं है किसी से। और मन जब स्वयं लगने लगे कथा में, सदमार्ग में, परमात्मा मार्ग में लगने लगे, स्वतः लगने लगे, तो समझ लो कि आपका कल्याण होने वाला है, आपका जीवन उज्जवल होने वाला है। क्योंकि वो जब मस्ती एक बार आ जाती है परमात्मा की प्यारे, और जिसे आ गई, मीरा को आ गई ना, जब मीरा को मस्ती आ गई तो सारे संसार को उसने तिनके की तरह छोड़ दिया, रंग गई श्याम के रंग में और उसकी हो गई। प्रहलाद के ऊपर जब ये मस्ती छाई तो सब कुछ त्याग दिया, ध्रुव के ऊपर जब छाई तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, तुकाराम, नरसी, एकनाथ जी, चैतन्य महाप्रभु, जितने संत, जितने भगवान के भक्त हुए हैं, जिन पर ये मस्ती छा गई, फिर वो संसार में नहीं उलझा, इस संसार के कीचड़ में नहीं उलझा प्यारे। एक संत तो भगवान से प्रार्थना करते हुए एक भक्त कहता है, प्यारे और ऊपर नित्य रहूं लटका, और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे। प्यारे इतनी कृपा कर दे, अगर मैं मनुष्य बनने के योग्य नहीं हूं तो मुझे जो तू बनमाल पहनता है ना, उसका फूल ही बना देना, कम से कम तुझसे दूर तो नहीं होऊंगा, तेरे पास तो रहूंगा। उर ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे, लहरे टकराती रहे जिसमें, कमनीय कालिंदी का कूल बना दे। प्यारे और जिस यमुना में तू बंसी बजाने जाया करता है, अरे कुछ न बना तो प्यारे मुझे कालिंदी का तट बना दे, तू वहां तो बंसी बजाने जाता है ना, और जब तेरे चरण उस जल में स्पर्श करेंगे और वो जल मुझसे टकराएगा तो तेरे मिलने का मुझे आभास हो जाया करेगा श्याम, मुझे आभास हो जाया करेगा, मुझे आनंद मिल जाया करेगा, मुझे तेरा रस मिल जाया करेगा। इसलिए कुछ नहीं अगर बनाता है तो मुझे तू कालिंद्री का तट बना दे प्यारे। कर कंजस थामते हो जिसको, कर कंजस थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदंब का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूले बना दे, ब्रजराज हमें ब्रज धूले बना दे। प्यारे अरे कुछ नहीं बना सकता तू, हमें कम से कम कदंब का मूल बना देना, जिसे पकड़ के तू खड़ा हुआ करता है, मुझे बहुत आनंद मिलेगा, मुझे बहुत परम शांति मिलेगी। प्यारे अगर वो भी नहीं बनाना चाहता है तो मुझे ब्रज की धूल बना देना, जो आपके भक्तों के, आपकी सन्यासिनी गोपियों के चरणों में मैं लग जाया करूंगा तो मैं अपने जीवन को धन्य समझ लूंगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। प्यारे इसलिए सुखी वही है प्यारे जो उसकी शरण में है, वरना संसार में आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है,
अब सुख मिलेगा। हाँ ये तो रहा है कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन किसी को आज तक सुख नहीं मिला है। अतृप्त ही यहां से गया है, कोई सुख ही नहीं गया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। यदि कोई सुखी है प्यारे तो वही सुखी है जिसने मेरे सांवरे की सूरत को अपने आंखों में बसाया है, जिसने अपना सब उस पर डाल दिया है भार, वही सुखी है जिसे संसार की सूरत नहीं घनश्याम की सूरत प्यारी लगती है, वही सुखी है। और वही हमेशा बुलाता है, पुकारता है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। गोविंद दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के गोविंद आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों को अपना असर देखना, असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। राधे से आपसे बात करना चाह रही हूँ अबाउट स्टडी अब्रॉड। हम सब चाहते हैं कि हम या हमारे बच्चे वहाँ की एजुकेशन लें, इंटरनेशनल एक्सपोजर पाए और अपने लिए एक स्टेबल करियर की का चुनाव करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टडी अब्रॉड में हम एक लीडिंग एक्सपर्टीज हैं और हम मल्टीपल कंट्रीज राइट फ्रॉम 3.5 लाख पैकेज टिल 15 लाख प्रोग्राम हम डील करते हैं। डू अप्रोच अस ऑन दिस गिवन नंबर। बारा थी शुहा थने गीत गज
ठटी सो हाथ ने गीध गज को वारा थजी हाथ ने गीध गज को उबारा थजी हाथ ने गीध गज को उसी हाथ का अब असर देखना है उसी हाथ का अब असर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है तालियों की सेवा करते हुए जय जय को तुम्हारा भी घर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है 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 कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास कोई सुखी नहीं है प्यारे सुखी वही है जिसने सब कुछ परमात्मा पर छोड़कर उसके चरणों में अपने को छोड़ दिया है वही सुखी है नहीं तो कोई सुखी नहीं है और सुखी इसलिए नहीं है कि जहां सुख है वहीं से तो मिलेगा और जहां सुख है ही नहीं वहां मिलेगा क्या बोलो जहां कोई वस्तु है ही नहीं उस जगह से वो वस्तु नहीं मिल सकती संसार के विषय में कहा गया है असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह कह सारा संसार एक तो असार है इसमें कुछ है नहीं दुख रूपी हर जगह दुख है पग पग पर दुख है पग पग पर भय है हम हर क्षण दुख के भय में जी रहे हैं कितने समय दुख आ जाए कोई पता नहीं कितने समय अच्छे बैठे और कितने समय क्या सूचना मिल जाए कोई पता नहीं कितने समय किसको क्या रोग लग जाए पता नहीं कितने समय में कौन विपत्ति में पड़ जाए पता नहीं तो हर क्षण दुख में है हर क्षण दुख में और दुख के भय में यहां संसार में जी रहे हैं लोग और कुछ नहीं है असार खल संसारो दुख रूपी विमोह का ये तो दुख का स्वरूप है संसार विमोह का लेकिन एक विशेषता है ये विमोह कहा है ये विमोह पैदा करने वाला ये खींचता जरूर है आकर्षित जरूर करता है ये फांसता जरूर है ये दलदल में जैसे व्यक्ति फंस जाता है फिर निकल नहीं पाता तो ये विमोह पैदा करने वाला है मोह नहीं विमोह विमोह किसे कहते हैं एक तो मोह तो छूट भी जाए प्यारे लेकिन जब विमोह हो जाता है तो फिर बहुत छोड़ना मुश्किल तो ये तभी छूटता है जब सत्संग आप करें कथा श्रवण करें तो जब परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी भगवान पहुंचे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के
सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी भगवान के पास आ गए, महाराज आप ये जो अमृत, आप जो कथामृत, आप जो परीक्षित जी महाराज को पिलाने जा रहे हो, इसे हमें दे दो। और जो ये हमारा अमृत रूप का कलश जो है, ये आप ले लो और इसे परीक्षित जी को पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा, देवताओं बहुत चालाक हो, बहुत चालाक हो, लेकिन यहां चालाकी तुम्हारी नहीं चलेगी। हम ये अमृत तुम्हें नहीं दे सकते, इससे बदल नहीं सकते, इसकी कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। बोले नहीं, कोई तुलना नहीं महाराज। क्यों? श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, देवताओं ये जो तुम्हारा अमृत है, इसको पीने के बाद भी नरक मिलना तय है, क्योंकि ये अमृत तभी तब काम करेगा जब तक देवता, जब तक पुण्य, और जैसे ही पुण्य समाप्त हुए, देवत्व समाप्त हुआ, और जब देवत्व समाप्त हुआ तो फिर नरक में आना पड़ेगा। तो ये अमृत तो फिर नरक देगा, लेकिन जो कथा अमृत है, ये नरक से सदैव सदैव के लिए छुटकारा दे देगा, ये दोबारा कभी नरक में नहीं डाल सकता। ये वो अमृत है जिससे जन्म जन्मांतर तक कभी भी फिर पुनः इस रौरव नरक में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस महानरक से सदैव सदैव के लिए ये अमृत कथामृत ये मुक्ति दे देता है। ये ऐसा अमृत है देवताओं, इसलिए इसकी कोई तुलना नहीं है, इसकी कोई समानता नहीं है। यही चीज तो जब ब्रह्मा जी ने देखी कि परीक्षित जी कथा श्रवण करके सदेह रहते हुए मुक्त हो गए, तो आश्चर्य हुआ ब्रह्मा को कि शरीर रहते मुक्त हो गए परीक्षित जी, ये तो आश्चर्य है, इतना सक्षम है, इतनी इसमें ताकत है इस कथामृत में, तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। तो ब्रह्मा जी ने भागवत को एक पलड़े पे रखा और सारे ग्रंथों को एक पलड़े पर रखा, और जैसी तराजू को उठाया तो भागवत श्रीमद भागवत का तराजू का पलड़ा उठा ही नहीं और सारे ग्रंथ उठ गए इसके। बोलो श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी पूर्व काल में इसे पहले शनकादिक ने नारद जी को श्रवण कराया था ये। हां, नारद जी ने इसे अपने पिता ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण कर लिया था, लेकिन साप्ताहिक कथा श्रवण की विधि जो है वो शनकादिक ने ही नारद जी को बताई थी। तो सूत जी ने, शौनक जी ने कहा, महाराज नारद जी तो कभी रुकते ही नहीं, नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है कि वो एक घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते, तो उन्होंने कथा का श्रवण कैसे किया? सूत जी ने कहा, शौनक जी एक बार नारद जी मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए बद्री विशाल क्षेत्र में आए और बहुत ही खिन्न अवस्था में, अशांत अवस्था में बैठे हुए थे, तो वहीं नारद जी की भेंट जो है वो शनकादिक ऋषियों से हुई, अभिवादन हुआ। शनकादिक ने पूछा, नारद जी बहुत अशांत हैं आप, संत को तो शांत होना चाहिए, आप अशांत क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा, महाराज जिसकी शांत लुट गई हो, जिसकी शांत चली गई हो, वो तो अशांत हो गई। महाराज मैं तो मृत्यु लोक को बहुत अच्छा समझ करके भ्रमण करने के लिए निकला था, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जहां जहां गया
मृत्युलोक में जहां जहां गया मुझे हर जगह अशांति मिली। जो धर्म के चार स्तंभ हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये सब छुप गए हैं। सत्य कोई बोल नहीं रहा कलयुग में। देखो, जो परमात्मा की शरण छोड़कर, नारद जी तो सदैव परमात्मा की शरण में रहते थे ना, तो जो परमात्मा की शरण छोड़ करके संसार में रमण करेगा उसको अशांति के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगेगा, ध्यान रखना। जो परमात्मा की शरण में रहने वाला संत ही जब परमात्मा शरण छोड़ करके और मृत्युलोक में रमण करने का मन बनाएगा और मृत्युलोक में रमण करेगा तो उसको कभी शांत नहीं मिलेगी, वो शांत नहीं रह सकता है। आज ओवेशन एजुकेशन तरफ की तरफ से आपसे बात करना चाह रही हूँ अबाउट स्टडी अब्रॉड। हम सब चाहते हैं कि हम या हमारे बच्चे वहाँ की एजुकेशन लें, इंटरनेशनल एक्सपोजर पाए और अपने लिए एक स्टेबल करियर की का चुनाव करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टडी अब्रॉड में हम एक लीडिंग एक्सपर्टीज हैं और हम मल्टीपल कंट्रीज राइट फ्रॉम 3.5 लाख पैकेज टिल 15 लाख प्रोग्राम हम डील करते हैं। डू अप्रोच अस ऑन दिस गिवन नंबर। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज यहाँ तो सब कुछ खत्म सा हो गया है, सत्य को छुपा दिया गया है असत्य के आवरण से, हर कोई झूठ बोलने में लगा है और निष्प्रयोजन झूठ बोलते हैं लोग, अकारण झूठ बोलते हैं लोग और स्वयं तो बोलते ही अपने बच्चों को भी झूठ बोलना सिखाते। दरवाजे पर एक लोग आए तो दरवाजे की कुंडी खटखटाई अपने मित्र के यहां, मित्र अंदर वाले कमरे में बैठे हुए थे तो बच्ची को बुलाया और कहा जाओ दरवाजे पर, कोई हमारे वो मित्र हैं, वो शायद आए हैं कोई, तो हमें पूछे तो बता देना कि पापा घर पे नहीं है। बच्ची गई किवाड़ को खोला गेट को और उसने कहा अंकल जी पापा ने कहा है वो घर पे नहीं है। अब क्या करोगे बोलो। बच्चों को झूठ बोलना हम सिखाते हैं, बच्चे नहीं झूठ बोलते, बच्चे तो ब्लैंक पेपर हैं, सादा कागज है, लेकिन बच्चों को झूठ बोलना हम सिखाते हैं, स्वयं भी बोलते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं कि हर जगह तो झूठ का बोल बाला कलयुग हो गया, कारण झूठ बोलते हैं लोग। अब तो ऐसी वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन दे दी है झूठ बोलने की कि हर समय अकारण झूठ बोल देते हैं, कहीं हैं और बताते कहीं मोबाइल पे, हाँ हाँ साहब अभी हम घर पे नहीं है, अभी तो हम बस्ती में हैं। बोलो अकारण, कोई मतलब नहीं है। नारद जी कहते हर तरफ झूठ कलयुग में, और तप रहा नहीं, क्योंकि जब मन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध होगा ना तभी तो तप होगा, और जब मन शुद्ध नहीं है तो तप भी नहीं, और तप भी नहीं तो पवित्रता भी नहीं। हर चीज में मिलावट है, मसालों में मिलावट, दूध में मिलावट, सब्जी में मिलावट, दालों में मिलावट, विचारों में मिलावट, हर जगह मिलावट है, तो कैसे फिर पवित्रता रह सकती है, तो पवित्रता भी नहीं। सारे रिश्ते पवित्र पवित्र रिश्ते भी सब दूषित हो गए। जो मां अपने पुत्र को, अपने बेटे को सदैव सूखे में सुलाती, स्वयं सदैव गीले में सोई, जिसने अपना सारा खून उसे बनाने में लगा दिया, जिसने अपना एक एक पल उसके लिए लगाया और सोचा बड़ा होकर के वृद्धावस्था पर हमारी सेवा करेगा, कितने लोगों की सेवा हो रही है। अरे
बेटे का विवाह होता है ना, तो वो अपनी पत्नी की टिकट अपने साथ ही करा लेता है। मम्मी छुट्टी नहीं है बिल्कुल, फिर तो हम आ भी नहीं पाएंगे। बेचारी मां जिसने सब कुछ अपना लुटाया तुम्हारे लिए, जाओ बेटा तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो। बेटे की प्रसन्नता के लिए, बेटे की हर खुशी के लिए, बेटे के हर सुख के लिए अपना हर सुख बलिदान कर देती है मां, नहीं करती बोल। अपने पेट में 9 महीने जिस बेटे को रखती है मां, जिस बेटे को 9 महीने अपने खून से पेट में सींचती है मां, बेटे के फ्लैट में उस मां के लिए भी एक दिन के लिए जगह नहीं होती है। आज ये स्थिति हो गई है। ऐसी एक मां थी, बहुत प्यार करती थी अपने पुत्र को, अकेला बेटा था। उसका सपना था कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएं। इस बीच ही पुत्र थोड़ा बड़ा हो पाया, इस बीच ही उसके पति की मृत्यु हो गई, विधवा हो गई। अब विधवा हो गई, सारा सहारा चला गया, क्या करती, कैसे क्या करे, कैसे बच्चे को पढ़ाए। तो स्वयं किसी घर में जाकर के एक सेठ के यहां नौकरी करने लगी, उसके बर्तन धोने लगी, उसके कपड़े साफ करने लगी, उसके झाड़ू लगाती घर में, और जो कुछ भी मिलता सारा कुछ बच्चे की फीस में दे देती, शुल्क में दे देती। फटी हुई साड़ी पहनती, चिथड़ों से गुजारा करती, बच्चे को खिलाती, कभी भूखी सो जाती, लेकिन बच्चे की शुल्क, बच्चे की फीस टाइम से देती। करते करते इतना सब कुछ किया, और सब कुछ करने के बाद उसका एक दिन सपना पूरा हुआ, बेटा डॉक्टर बन गया। बेटा डॉक्टर बन गया तो विवाह हुआ, और विवाह हुआ बहू आई तो बहू ने कहा, भाई देखो ऐसा है कि हम नहीं कर सकते, इनकी सेवा हमसे नहीं होगी, हम ऑफिस जाएंगे कि इनकी सेवा करेंगे। समझाया, उसे भी समझ में कुछ आ गया, मां से एक दिन बोला, मां बुरा मत मानना, ये भी ऑफिस चली जाती हैं, हम भी हॉस्पिटल चले जाते हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं रहता है, आपको कोई चाय देने वाला तक नहीं रहता, आपको कोई जलपान भोजन कराने वाला भी नहीं रहता है, आपको बहुत यहाँ दिक्कत हो रही है, ऐसा करते हैं आपको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। जिस माँ ने एक पुत्र के लिए दूसरे के घर में झाड़ू लगाया, उसके बर्तन साफ किए, उसका सब कुछ काम किया, क्या नहीं किया। बेटा 1,000 रुपए प्रतिदिन भेजता, प्रति महीने भेजता, आश्रम वाले उसकी संपूर्ण देखभाल करते, मां जो वो बच्चा जो बेटा 1,000 रुपए महीने भेजता, मां उसमें से 1 रुपए खर्च नहीं करती, सारे के सारे जमा करने। समय गुजर गया, एक दिन मां की तबीयत बहुत खराब हुई, उसे लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो उसने आश्रम के संचालक से कहा, हमें उसने पूछा कि तुम्हारी इच्छा कुछ है क्या, कुछ किसी को चाहती हो बुलाना क्या कुछ, तो उसने कहा, हम किसी को नहीं, हम केवल अपने पुत्र को देखना चाहती हैं, अपने बेटे को एक बार देखना चाहती हैं। उसने सोचा उस पुत्र को देखना चाहती है, जिस पुत्र के लिए उसने क्या नहीं किया, और उस पुत्र ने इसे एक दिन रखना उसको मुश्किल पड़ गया, उसे हमारे यहां भेज दिया, लेकिन धन्य है मां, धन्य है मां, उसी पुत्र का मुंह देखना चाहती है अंतिम समय में। उसने सूचना भेजी उस पुत्र से, तुम्हारी मां तुम्हें देखना चाहती है, वो बहुत अस्वस्थ है,
जब उसे सूचना मिली तो उसने उससे कहा, सूचना लेकर के गया था कि आज तो हम नहीं आ सकते, आज हम बहुत व्यस्त हैं, इतने रोगी हमारे पास बैठे हुए हैं कि हम रात तक निवृत्त नहीं हो सकते, हाँ कल हम अवश्य आएंगे, कल हम जरूर आएंगे, मां से कह देना। कल तो किसी ने नहीं देखा प्यारे, बेटे के मुंह देखने की प्रतीक्षा करती करती मां ने रात में ही दम तोड़ दिया। और जब वो बेटा सुबह पहुंचा, उसने देखा कि मां खत्म हो चुकी। पूछा उससे कि क्या मां कुछ कह रही थी, बोले हां, ये कह रही थी कि एक बार कैसे भी मुझे अपने बेटे का मुंह देखने को मिल जाता, एक बार मैं उसे देख लेती। ये कहते कहते उसके प्राण निकल गए, लेकिन तुम नहीं आए। कुछ कहा माने? हां, और तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक लिफाफा मुझे दे गई है कि ये मेरे बेटे को दे देना। उसने वो लिफाफा अपने बेटे को दिया, उस बेटे को उसने वो खोला, उसमें जो पैसे उस बेटे ने भेजे थे सारे के सारे पैसे उस लिफाफा में रखे हुए, और एक पत्र रखा, उसमें लिखा था, बेटे कोई बात नहीं, तुम जहां भी रहो प्रसन्न रहो खुश रहो, मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती थी लेकिन नहीं देख पाई। बेटे जो तुमने पैसे मेरे लिए भेजे थे वो सब इस लिफाफे में रखे हैं, तुम इन्हें खर्च मत करना, ये तुम्हारी वृद्धावस्था में काम आएंगे। आज ओवेशन एजुकेशन की तरफ से आपसे बात करना चाह रही हूँ अबाउट स्टडी अब्रॉड। हम सब चाहते हैं कि हम या हमारे बच्चे वहाँ की एजुकेशन लें, इंटरनेशनल एक्सपोजर पाए और अपने लिए एक स्टेबल करियर की का चुनाव करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टडी अब्रॉड में हम एक लीडिंग एक्सपर्टीज हैं और हम मल्टीपल कंट्रीज राइट फ्रॉम 3.5 लाख पैकेज टिल 15 लाख प्रोग्राम हम डील करते हैं। डू अप्रोच अस ऑन दिस गिवन नंबर। मरते भी मां से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। संसार में मां के समान कोई नहीं है। अरे मां तो स्वयं तो मां है ही प्यारी, लेकिन जिसमें ये मां जुड़ जाती है, स्वयं तो महान है ही, सबका जोड़ है प्यारे, लेकिन मां बेजोड़ है, इसका कोई जोड़ नहीं है। सारे संसाधनों को आप पैसे से खरीद सकते हो, परिश्रम से प्राप्त कर सकते हो प्यारे, लेकिन मां पैसे से नहीं पुण्य से मिलती है, पुण्य से मिलती है, ध्यान रखना, पुण्य से मिलती है। उसको तो नहीं देखा हमने, पर इसकी जरूरत क्या होगी? उसको तो नहीं देखा हमने, पर इसकी जरूरत क्या होगी? मां तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी? क्या होगी? कुछ नहीं हो सकता तेरी सूरत से, तुझसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। मां स्वयं तो है ही महान, और ये जिसमें लग गई वो भी महान बन गया। देखो आत्मा में भी बाद में क्या लगा है? मां, इसलिए आत्मा को भी सबसे बड़ा माना गया। महात्मा को भी हम बहुत आदर देते हैं, बहुत पूज्य हैं, तो महात्मा में भी बाद में क्या लगा है? मां। अरे आत्मा, महात्मा, आसमा जो सबसे ऊंचा है उसमें भी मां लगा हुआ है। तो आत्मा, महात्मा, आसमा और जो सबसे बड़ा है, तीनों लोग जिसे झुकते हैं, उस परमात्मा में भी यदि मां नहीं होता तो वो भी आज कुछ नहीं होता प्यारे, कुछ नहीं होता। ध्यान रखना।
ऐसे आज कलयुग में इन रिश्तों को भी स्वार्थ स्वार्थ की इस अंधी दौड़ में सब छिन्न भिन्न कर दिया है। नारद जी कहते हैं वाणी बोलने में भी हमें, कुछ लोग कहते हैं हम तो खरा बोलते हैं महाराज, हम सच बोलते ना इसलिए खरा बोलते हैं। अरे सच सत्य कहीं खरा नहीं होता है, सत्य तो बहुत मधुर है, मधुराष्टक में आप जानते हैं उसका तो सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, सब कुछ मधुर है। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम, क्या कहूं सब कुछ उसका मधुर है। और उसे कहते हैं अरे सत्य तो कड़वा होता है, कैसी विडंबना है महाराज, अपने दोष को परमात्मा में डालते हैं, कितनी विडंबना है। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए, आप शीतल होए। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि जिससे किसी की आत्मा को कष्ट न हो। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात ना ब्रुवात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य भी बोलना वर्जित है। वाणी खरी सत्य हो लेकिन मधुर हो। जैसे आपने देखा जलेबी देखी होगी, आपने सबने जलेबी देखी क्या, मेरी समझ से सबने खाई भी होगी। अच्छा जलेबी को कितना भी खरा सेका जाए, कितना भी खरा सेका जाए लेकिन उसे रस में ना भिगोया जाए, डिबोया जाए, और वो खरी जलेबी को आपको दिया जाए कि लो भाई, कोई उसे स्वीकार करेगा? नहीं स्वीकार करेगा। खरी से खरी जलेबी जब तक उस रस में नहीं डूबेगी तब तक वो स्वीकार नहीं होगी। इसलिए कितनी भी सत्य वाणी हो लेकिन जब तक वो मधुरता के रस में घोल करके नहीं बोली जाएगी वो स्वीकार नहीं होगी, अच्छी नहीं कही जा सकती।